द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, द कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया, ये है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। कोलकाता टूर प्लान, कोलकाता टूरिस्ट प्लेसेस 2023। कोलकाता में आपको कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस विजिट करना चाहिए, आपका कितना खर्चा होगा, फूडिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ वर्चुअली शेयर करूंगा। #incredibleindia, #coolkatatouristplaces, वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका फ्रेंड सौरभ राज और आप देख रहे हो राइट राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। कोलकाता हेरिटेज ट्राम मेट्रो के साथ गोड़ियाहाट धर्मतला में शॉपिंग, शाम को भागीरथी गंगा में बोट राइड, कालीघाट दक्षिणेश्वर टेम्पल बेलूर मठ के साथ, इको पार्क निको पार्क विश्व बांग्ला गेट के साथ टोटल 14 कोलकाता मेन टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने का कोशिश करूंगा। द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, इंडिया का हर एक मेजर सिटी से बाई एयर एंड बाई रेल आप कोलकाता पहुंच सकते हो। कोलकाता सिटी का मेन एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिटी का मेन रेलवे स्टेशन है हावड़ा एंड सियालदा। कोलकाता सिटी में आप कहां रुकोगे? कोलकाता सिटी में स्टे करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है कोलकाता धर्मतला एरिया। आप अगर कोलकाता धर्मतला एरिया में रुकोगे तो धर्मतला एरिया से बाई बस, ट्राम, मेट्रो से आप कोलकाता का कोई भी टूरिस्ट प्लेस में बहुत इजीली आप पहुंच सकते हो। धर्मतला में जो होटल अवेलेबल है, ये जो मेन मोड है, ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है, इधर से आपको राइट हैंड साइड में जाना होगा। इधर आपको 500 से लेके 5000, 10000, 20000 तक रेंज का होटल मिल जाएगा। कोलकाता धर्मतला पार्क स्ट्रीट एरिया में लो बजट से हाई बजट मेनी टाइप ऑफ रूम अवेलेबल है। आप अपने बजट के हिसाब से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में रूम बुक कर सकते हो। मैं कुछ होटल का कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप अपने हिसाब से कॉल करके बुकिंग कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग धर्मतला में ब्रेकफास्ट करने के बाद ही आप कोलकाता टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए जाइए। कोलकाता टूर में आपका फर्स्ट विजिटिंग प्लेस है कोलकाता फेमस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। धर्मतला जो होटल में आप रुकोगे वो होटल के बाहर आपको ऐसा कोलकाता फेमस येलो टैक्सी मिल जाएगा। टैक्सी को ओनली 100 रुपीज दे के आप इजीली आप कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आ सकते हो। ये है मेन एंट्री गेट। एंट्री गेट का लेफ्ट हैंड साइड में उधर है टिकट काउंटर। आपको अगर सिर्फ गार्डन के अंदर घूमना है तो आपको ओनली 20 रुपये देना है। आप अगर विक्टोरिया म्यूजियम के अंदर जाना चाहते हो तो आपको 30 रुपीज पे करना है। 1906 में रानी विक्टोरिया डेथ होने के बाद एक खूबसूरत विक्टोरिया मेमोरियल हॉल निर्माण किया गया। पूरा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल घूमने के लिए आपका 3 से 4 घंटा टाइम लग जाएगा। विक्टोरिया म्यूजियम के अंदर विक्टोरिया टाइम काल में यूज होने वाली ड्रेस, बंदूक, बड़े बड़े पेंटिंग और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के बाद आपका नेक्स्ट विजिटेड प्लेस है प्रिंसेप घाट। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से ओनली 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है प्रिंसेप घाट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर आपको 100 रुपीज में टैक्सी मिल जाएगा। टैक्सी लेके आप इजीली ये प्रिंसेप घाट आ सकते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टैक्साल फर्स्ट एमिस्टर गवर्नर जेम्स प्रिंसेप के नाम पे ये प्लेस का नाम हुआ है प्रिंसेप घाट। प्रिंसेप घाट के पीछे आप भागीरथी गंगा किनारे जा सकते हो। ये प्लेस से भागीरथी हुगली रिवर के ऊपर आप खूबसूरत विद्यासागर सेतु का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हो। सनसेट के टाइम ये प्लेस और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। प्रिंसेप घाट के अंदर गंगा किनारे आप चाहो तो ऐसे बोट राइड कर सकते हो।
बोट राइड का जो चार्जेस है पर आधा घंटे के लिए आपको ओनली 400 पे करना है। ये बोट, ये जो सेकंड हुगली ब्रिज है, सेकंड हुगली ब्रिज के अंदर से उधर लेके जाएगा, थोड़ा सा आपको घुमा के फिर से आपको एक घाट में छोड़ देगा। इसका कोई टाइमिंग्स नहीं है, आप मॉर्निंग में आ जाइए या फिर शाम को आ जाइए, आप आराम से इजीली एक बोट बुक करके आप एक गंगा में घूम सकते हो। एक घाट के अंदर पाव भाजी, भेलपुरी, पानीपुरी, टी स्टॉल अवेलेबल है। कोलकाता के 3 नंबर टूरिस्ट प्लेसेस इको पार्क एक्सप्लोर करने से पहले 2 मिनट का कमर्शियल ब्रेक। विंटर एंड इन दिस सीजन ड्राई इची स्क्लैफ, फ्लैकी स्किन के साथ डैंड्रफ आपको बालों को बहुत ज्यादा खराब करता है। इसको हटाने के लिए हम लोग घर का लेमन जूस या फिर जिंजर यूज करते हैं या फिर ओवर हार्स एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं। नतीजा हमारे बाल और भी ज्यादा खराब, ड्राई, डैमेज हो जाता है। प्रेजेंटिंग न्यूली लॉन्च मामाअर्थ लेमन एंड जिंजर रेंज विद द गुडनेस ऑफ लेमन जूस एंड जिंजर विदाउट एनी। मेरा बालों में थोड़ा बहुत डैंड्रफ था। आपको पहले लेमन जिंजर शैम्पू लेना है और पूरा बालों में अप्लाई करना है और हल्का हल्का सा मैसेज करना है। इसका पावरफुल लेमन ड्राई इची स्क्लैब एंड डैंड्रफ रिमूव करने में हेल्प करेगा। जिंजर के एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज स्क्लैब हेल्थ मेंटेन करता है। आफ्टर शैम्पू आपको यूज करना है मामाअर्थ लेमन जिंजर कंडीशनर। कंडीशनर पूरा बालों में अप्लाई करके वॉश करने के बाद आपका बाल सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगा एंड मामाअर्थ जिंजर रेंज यूज करने के बाद 100% डैंड्रफ रिमूव हो जाएगा। मामाअर्थ ऑल प्रोडक्ट नो टॉक्सिन मेड सेफ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। मामाअर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव। मामाअर्थ ऑल टाइम रिसाइकल प्लास्टिक यूज करते हैं। मामाअर्थ एवरी मंथ 240 मिलीटन प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं एंड ये एक इंडियन ब्रांड है। आप जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे आपका ऑर्डर के साथ वेबसाइट का लिंक होगा और एक ट्री प्लांट होगा। ऐसे करके मामाअर्थ 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करेगा। मामाअर्थ प्रोडक्ट ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजन, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड फारफेल एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑन मामाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप। अभी तो मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आप अपने घर के पास कोई भी स्टोर में जाके भी परचेस कर सकते हो। अगर आप मामाअर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से मामाअर्थ का प्रोडक्ट परचेस करते हो और मेरा प्रोमो कोड RIDERS2023 यूज करोगे तो आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 20% डिस्काउंट मिल जाए। So friend, अभी जाओ और परचेस करो newly launched Mamaearth Lemon and Ginger range। कोलकाता टूर थर्ड टूरिस्ट प्लेस वर्ल्ड बिगेस्ट इको टूरिज्म पार्क इको पार्क। टोटल 480 एकड़ एरिया लेके कोलकाता का न्यू टाउन एरिया में लोकेटेड है ए इको पार्क। पार्क 20 मिनट 200 रुपीज दे के साइकिलिंग, 50 रुपीज दे के इलेक्ट्रिक कार राइड एंड 100 रुपीज दे के एसी नॉन एसी इको पार्क टॉय ट्रेन राइड आप एंजॉय कर सकते हो। पार्क में टोटल 4 एंट्री गेट है। मॉर्निंग 11 AM टू 7:30 PM तक ओपन रहता है इको पार्क। इको पार्क टिकट प्राइस पर पर्सन 30 रुपीज। QR कोड स्कैन करके पार्क के अंदर एंट्री करने के बाद मेनी टाइप ऑफ अट्रैक्शन आपको ये पार्क के अंदर मिल जाएगा। पार्क के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है 7 Wonders, बट 7 Wonders के अंदर एंट्री करने से पहले आपको फिर से 30 रुपीज का टिकट परचेस करना है। छोटे बड़े ओल्ड एज ग्रुप सबको ये पार्क बहुत पसंद आएगा। इको पार्क इतना बड़ा है आप एक दिन में घूम के खत्म नहीं कर पाओगे। इको पार्क के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इको पार्क लेक में आप बहुत सारे वाटर राइड एक्सप्लोर कर सकते हो। शाम को 7 बजे ए लेक में होता है बहुत ही खूबसूरत लेजर शो। इको पार्क के अंदर आप जापानीज गार्डन और आईफेल टावर घूमना ना भूले। आप इको पार्क आओगे, इको पार्क का 3 नंबर गेट का राइट हैंड साइड में है मिस्टी हाफ। इधर आपको कोलकाता का जितना भी फेमस मिठाई का दुकान है वो हर एक दुकान का स्टॉल यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जो मिठाई आपको अच्छा लगे आप इधर से लेके आप मिठाई खा सकते हो। रसगुल्ला, राजभोग, गुलाब जामुन, स्ट्रॉबेरी रसगुल्ला, कमला भोग, मेनी टाइप ऑफ मिठाई आपको मिस्टी हाफ में मिल जाएगा। मैं इधर से 30 रुपीज दे के रसमलाई ट्राई किया था।
कोलकाता का मिठाई इंडिया का बेस्ट मिठाई है। मिष्टी हब के बाहर पर पर्सन 10 रुपए 20 रुपए दे के आप विजिट कर सकते हो कोलकाता आइकॉन विश्व बांग्ला गेट। इको पार्क घूमने के बाद आप विजिट कर सकते हो इको पार्क से ओनली 2.7 किलोमीटर डिस्टेंस में विश्व बांग्ला गेट। 2 फरवरी 2019 विश्व बांग्ला गेट पब्लिक के लिए फर्स्ट ओपन हुआ था। गेट का हाइट है 180 फीट। विश्व बांग्ला गेट मेंटेन करता है हीट को। आप चाहो तो विश्व बांग्ला गेट में लंच या फिर डिनर कर सकते हो। लंच टाइम है दोपहर 12:30 PM to 3 PM एंड डिनर टाइम है 7 PM to 9 PM। और विश्व बांग्ला गेट के ऊपर जाने के लिए एंट्री कॉस्ट है 500 रुपीज। एक्चुअली 500 रुपीज जो है वो एंट्री कॉस्ट नहीं है, 500 रुपीज के अंदर आपका लंच या फिर डिनर इंक्लूड रहेगा। मतलब आप जो भी लंच करो डिनर करो आपको मिनिमम 500 बिल करना ही होगा, पर पर्सन 500। विश्व बांग्ला गेट के वेस्ट साइड में है विश्व बांग्ला टिकट काउंटर। इधर आपको पर पर्सन 500 रुपए का वाउचर कलेक्ट करना है। टिकट काउंटर के राइट हैंड साइड में एक फूड स्टॉल अवेलेबल है, आप चाहो तो इधर से कुछ स्नैक्स परचेस कर सकते हो। इधर बहुत ही खूबसूरत एक शीशे का आर्किटेक्चर बना है, आप चाहो तो इसके अंदर जाके अपना सेल्फी पिक ले सकते हो। विश्व बांग्ला गेट से ओनली 500 मीटर डिस्टेंस पे है इंडिया सेकेंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम। म्यूजियम टिकट कॉस्ट है पर पर्सन 30 रुपीज एंड स्टूडेंट के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। 1988 to 2017 एल्बर्ट रॉस टापोलेन 142M ए एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के अंदर शामिल था। 1990 कारगिल वार में ए एयरक्राफ्ट शामिल हुआ था। आप एयरक्राफ्ट के अंदर जाके एयरक्राफ्ट के बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। एयरक्राफ्ट के लेफ्ट हैंड साइड में है चिल्ड्रेन पार्क। विश्व बांग्ला गेट से ओनली 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है कोलकाता फेमस निको पार्क। एक्चुअली निको पार्क है अमाउंसमेंट वाटर पार्क। ये है ईस्टर्न इंडिया का फर्स्ट अमाउंसमेंट पार्क। 1991 40 एकड़ एरिया लेके ए निको पार्क पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। टोटल 38 एडवेंचर थ्रिल राइड अवेलेबल है ए पार्क में। निको पार्क घूमने के लिए पूरा एक दिन चाहिए। निको पार्क में आप अगर ऑल अम्यूजमेंट पार्क राइड एंड वाटर राइड एंजॉय करना चाहते हो तो आपको 850 रुपीज पे करना है। 850 रुपीज के अंदर लंच इंक्लूड रहता है। निको पार्क टाइमिंग्स मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 7:30 PM। निको पार्क के ऊपर कंप्लीट फुल डिटेल्स वीडियो मैं ऑलरेडी एक बनाया हूँ, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निको पार्क के बाद नेक्स्ट विजिटेड प्लेस है कोलकाता फेमस साइंस सिटी। साइंस सिटी ओपनिंग टाइम मॉर्निंग 9 AM टू 7:30 PM। टिकट प्राइस पर पर्सन 60 रुपीज बट अंदर अलग अलग एक्टिविटी शो देखने के लिए आपको अलग से चार्जेस पे करना है। टोटल 50 एकर एरिया लेके 1996 साइंस सिटी पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये साइंस पार्क मेंटेन करते हैं। पूरा साइंस सिटी घूमने के लिए एंड इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए 6 से 7 घंटा टाइम लग जाएगा। कोलकाता धर्मतला एस्प्लेनेड से ओनली 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ये साइंस सिटी। ऑल एज ग्रुप ए साइंस सिटी साइंस पार्क एंजॉय कर सकता है। साइंस सिटी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अभी आप धर्मतला से बाई मेट्रो 20 रुपए दे के आ जाओ कोलकाता दक्षिणेश्वर टेम्पल। आदिशक्ति पीठ दक्षिणेश्वर टेम्पल 1855 रानी रासमणि निर्माण किया था। दक्षिणेश्वर टेम्पल मॉर्निंग 6 AM टू 12:30 PM एंड 3 PM टू 8:30 PM तक ओपन रहता है। सैटरडे एंड संडे के दिन मंदिर में ज्यादा भीड़ रहता है, बाकी दिनों में पूजा देने के लिए आपको 3 से 4 घंटा टाइम लग जाएगा। दक्षिणेश्वर टेम्पल फुल वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दक्षिणेश्वर टेम्पल से 12 रुपीज दे के फेरी लेके आप पहुंच जाइए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मठ बेलूर मठ। 1898 स्वामी विवेकानंद कोलंबो से लौटने के बाद ये रामकृष्ण मठ तैयार किया था। रामकृष्ण मठ बेलूर मठ ओपनिंग टाइम 6:30 AM टू 11:30 AM एंड 3:30 PM टू 8:30 PM। इधर आपको स्वामी विवेकानंद देहावशेष मंदिर, रामकृष्ण मंदिर, सारदा मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएगा। बेलूर मठ में दोपहर 1 बजे से महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। महाप्रसाद भोजन करने के लिए आपको 11 AM के अंदर बेलूर मठ ऑफिस में जाके कूपन कलेक्ट करना है। बेलूर मठ फुल डिटेल्स वीडियो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप मेट्रो करके आ जाओ कोलकाता कालीघाट मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से ओनली 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है 51 शक्तिपीठ के अंदर सबसे फेमस टेम्पल कालीघाट टेम्पल। इधर माता पार्वती सोती के दाहिने पैर का पंजरा गिरा था। टेम्पल ओपनिंग टाइम मॉर्निंग 5:30 AM टू 1 PM एंड 4 PM टू 8:30 PM। कालीघाट टेम्पल में पूजा देने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ होता है, पूजा देने के लिए आपका 2 से 3 घंटा टाइम लग सकता है। कालीघाट टेम्पल फुल डिटेल्स वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कालीघाट टेम्पल से ओनली 850 मीटर डिस्टेंस पे है अलीपुर जेल म्यूजियम। इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट 1864 ये अलीपुर जेल फ्रीडम फाइटर को कैद करने के लिए, फांसी देने के लिए बनाया था। ये जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू जैसा बहुत सारे फ्रीडम फाइटर कैद था। आप ये जेल म्यूजियम आके इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले इंडियन जेल कैसा होता था आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अलीपुर जेल म्यूजियम ओपन टाइम मॉर्निंग 11 AM टू 5:30 PM। अलीपुर जेल म्यूजियम टिकट प्राइस पर पर्सन 30 रुपीज। अलीपुर जेल म्यूजियम से ओनली 1.7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर जो। 1876 ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन बनाया था। टोटल 45 एकर एरिया लेके ये जूलॉजिकल गार्डन में आपको बहुत सारे एनिमल, बर्ड, स्नेक देखने को मिल जाएगा। जो एंट्री टिकट प्राइस पर पर्सन 25 रुपीज। टाइमिंग्स 9 AM टू 4:30 PM। कोलकाता धर्मतला एरिया में है एशिया बिगेस्ट म्यूजियम जादूगर इंडियन म्यूजियम, वर्ल्ड 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम एंड इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम टिकट प्राइस पर पर्सन 50 रुपीज एंड चिल्ड्रेंस 20 रुपीज। ओपनिंग टाइम 10 AM टू 5 PM। 1814 द एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल कोलकाता में ये म्यूजियम जादूगर निर्माण किया था। टोटल 6 सेक्शन एंड 35 गैलरी में डिवाइडेड है ये म्यूजियम। इधर आपको 4000 साल से भी पुराना इजिप्शियन मॉमी से लेकर छोटे बड़े पेड़ पक्षी, एनिमल, मैमल, डीएनए फॉसिल, स्कल्पचर और भी बहुत कुछ अवेलेबल है ये म्यूजियम में। इंडियन म्यूजियम के ऊपर पूरा डिटेल्स वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोलकाता टूर में आप विजिट कर सकते हो कोलकाता फेमस वाटर पार्क एक्वाटिका। 20 एकर एरिया लेके कोलकाता न्यू टाउन एरिया में लोकेटेड है ए वाटर पार्क। पार्क ओपनिंग टाइम मॉर्निंग 10 AM टू 6 PM। टिकट कॉस्ट पर पर्सन फॉर एडल्ट 1000 रुपीज एंड चिल्ड्रेंस 450 रुपीज। एक्वाटिका फुल डिटेल्स वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शाम के टाइम आप शॉपिंग करने के लिए जा सकते हो धर्मतला न्यू मार्केट या फिर गोड़ियाहाट में। ये दोनों प्लेस स्ट्रीट शॉपिंग के लिए फेमस है। आप इधर बार्गेटिंग करके अपना सामान परचेस कर सकते हो। कोलकाता ऑल टूरिस्ट प्लेसेस गूगल लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ये था कोलकाता का मेन 14 टूरिस्ट प्लेसेस। कोलकाता के बाकी ऑल टूरिस्ट प्लेसेस इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल में कोलकाता टूर गाइड प्लेलिस्ट चेक कीजिए। 4 से 5 दिन कोलकाता घूमने के लिए आपका कितना खर्चा होगा, एप्रोक्स टूर कॉस्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं बहुत जल्द कोलकाता का फेमस फूड रेस्टोरेंट के ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, इसलिए आप मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए आप लोग।